गूगल पिक्सल का 7 प्रो जो बहुत अच्छा फ़ोन है और नया फ़ोन है, इसकी मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। इस फ़ोन की भी इसकी कैमरे की जूम क्वालिटी और साथ में पोर्ट्रेट मैक्रो और वीडियो क्वालिटी भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस फ़ोन की और उस DSLR की जो अभी मैंने आपको दिखा दी, तो देखते हैं इन दोनों का मुकाबला। तो चलिए देखते हैं, मेरे ख्याल में तो कैमरा सबसे बेहतर है क्योंकि कैमरे का जो रिज़ल्ट होता है सभी मूवीज़ में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में जो प्रोग्राम बांधते हैं तो कैमरे से बांधते हैं, फ़ोन तो कभी उसके आगे जा नहीं सकता। लेकिन चलिए देखते हैं, आप ख़ुद फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अभी इस पे वीडियो जा रही है, अगर आपको पता चला जा सकता है, आप कोई उसको दिखा सकते हैं, तो इस की जो ऑटो फोकस है वो भी इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह के कैमरे की, और इसकी स्टेबलाइजेशन भी इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह के कैमरे की, और साथ में जो है ना आप अगर देख सकते हैं ऑटो फोकस और क्लियरिटी, तो ये खजूर के पल जो है ना ये आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही होती है जिस तरह के मैंने कैमरे से की हुई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि कैमरा से बेटर फ़ोन है, लेकिन फ़ोन का भी उसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये मूवी जो बन रही है होती है, ये हॉलीवुड की बॉलीवुड की सभी मूवी बनती है, ये कैमरे से बनती है, ठीक है, ये जहन में रखना चाहिए। बस लोगों का ख्याल है कि ये कैमरे से भी ज़्यादा आगे फ़ोन जो है ना अच्छी वीडियो करती है। अभी मैं दिखा देता हूँ, इसकी स्टेबलाइजेशन भी बड़ी मतलब वो है, अच्छी नहीं है अभी जो है ना, पहले तो मैं इसको स्टेबल भी नहीं कर सकता। अभी इधर से इसकी वीडियो देखिए, अभी ये गूगल पिक्सल 7 प्रो जो फ्लैगशिप फ़ोन है उसकी वीडियो है, ये तकरीबन 30x पे जो है ना अभी ये वीडियो बन रही है। तो यही वीडियो मैं आपको कैमरे पर शूट दिखाना चाहता हूँ, मतलब ये जो वीडियो बन रही है ये गूगल पिक्सल 7 प्रो की है। तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि मतलब एक फ़ोन जो है ना और एक बड़े कैमरे 500 mm या 600 mm को टक्कर दे सकता है। अभी उसके वीडियो भी मैं आपको फिर दिखा दूँगा, ये गूगल पिक्सल 7 प्रो जो है ना फ्लैगशिप फ़ोन है जो 23-24 का जो है ना बेस्ट मॉडल है। तो अभी मैं जो है ना कैमरे की भी वीडियो और पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ना नाइट शूट जो है ना ये बन रही है वीडियो, ये गूगल पिक्सल 7 प्रो जो है ना उससे बन रही है, ये मून शॉट है। तो पहले ये तो स्टेबल नहीं हो रहा है, बाद में जो है ना ये फोकस नहीं कर रहा है ना, ठीक है। अभी मैं कैमरे का शॉट जो है ना आपसे फिर दिखा दूँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तरफ मेरे हाथ में सोनी का एक कैमरा है, सोनी DSLR A77 और उसके साथ जो लेंस लगा हुआ है 170-500 mm का, ये कैमरा है। इसकी पोर्ट्रेट और जो है ना वीडियोग्राफी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाज़ लोगों का ख्याल है कि गलेक्सी S24 Ultra, गूगल पिक्सल 7 प्रो और iPhone 15 जो है ना वो इससे बेहतर है, इससे वीडियोग्राफी भी अच्छी करती है, इससे पोर्ट्रेट भी उसका अच्छा है, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस उस फ़ोन के जो जूम है, जो फ्लैगशिप फ़ोन है गूगल पिक्सल 7 प्रो है, साथ में जो है ना आईफोन 15 प्रो है और दूसरा S24 Ultra जो है ना, इसकी जो है ना वीडियो क्वालिटी, जूम क्वालिटी सब उस कैमरे से बेहतर है। तो ये तो कभी हो नहीं सकता, एक बहुत बड़ा कैमरा DSLR का जो उसमें सिनेमेटिक मोड फोटोग्राफी भी होती है, जूम भी होता है, उसका सेंसर भी बड़ा होता है, और दूसरा जो है ना एक छोटा सा फ़ोन जो छोटे सेंसर का मालिक होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और जो है ना फ़ोन की मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक खजूर का दरख्त है और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये हाथ से बना रहा हूँ, मतलब ट्राईपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है,
ये एक खजूर का दरख्त है, उसमें कुछ खजूर के फल लगे हुए हैं, दूर है मुझसे बहुत। और ये लेंस है 170-500 mm का सिग्मा का, और एक पुराने मॉडल का कैमरा है सोनी A77 जो 2013-14 का मॉडल है। तो इसकी रिव्यू जा रही है गूगल पिक्सल 7 प्रो फ्लैगशिप सेल फोन के साथ। तो उसकी जूम की फोटोग्राफी और इसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बस लोगों का ख्याल है कि मोबाइल सबसे बेहतर है कैमरे से, लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूँगा कि बेहतर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जूम। तो अभी मैं इसकी जूम करवा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में जो है ना अभी मतलब कैमरा है विदाउट ट्राईपॉड। तो अभी मैं काफ़ी जूम कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, और ये जो है ना कैमरे की स्टेबलाइजेशन है, ये आपको खजूर नज़र आती रहेगी अब यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ खजूर है, खजूर के पल में यहाँ पर भी। और ये जो है ना कैमरे का जूम है सोनी A77 का 170-500 mm का। तो आप देख सकते हैं इसकी जूम। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ना ये सोनी A77 कैमरा है, 2013 का मॉडल है पुराना, और इसमें लेंस लगा हुआ है 170-500 mm का। अब इसकी वीडियो और स्टेबलाइजेशन देखिए, पहले तो स्टेबल नहीं हो रहा था, अभी ये कैमरे की स्टेबलाइजेशन देखिए तो इसमें बड़ा फ़र्क है। बाकी ये जूम की जो है ना वो मतलब जूम की तरफ जा चुका है, फिर भी स्टेबल नहीं है। तकरीबन उसकी तरह जिस तरह उसका 30x जूम था, इस तरह ये भी 30x है, लेकिन इसकी जो स्टेबलाइजेशन और क्लियरिटी है वो मोबाइल से कहीं बेहतर है। तो दोस्तों कैमरे का मुकाबला मोबाइल का भी नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ कि जो है ना ये फ़ोन के बजाय वीडियो से जो शूट होता है ना, कभी फिल्मों में देखा होगा फ़ोन अगर यूज़ होता है वीडियो में तो लोग फ़ोन से जो है ना मूवी शूट कर जाते। और ये जो है ना 1080 पे हो रही है, ये इसकी स्टेबलाइजेशन है, और ये चांद की शूट है। बाकी पिक्चर सिंपल फ़ोटो मैं आप कैमरे के भी दिखा दूंगा और फ़ोन को भी। Thank you.